हेलो फ्रेंड, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक्स की पावर यहाँ फोर कॉमन करूँगा, तो ये पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है ये ट्रिक। तो टी एक्स एक्स स्क्वायर है इन टू एक्स पावर में फोर कॉमन करूँगा तो उसको पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ वन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर पावर थ्री बाई फोर, यहाँ से फोर फोर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा वन बाई एक्स की पावर फाइव। ठीक है, वन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर थ्री बाई फोर, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। आपको दिख रहा होगा इसको टी मानेंगे ये मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो वन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर इक्वल टू टी अगर मानते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस एक्स फोर एक्स की पावर फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर जाएगा वन बाई एक्स की पावर फाइव डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फोर डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पर मीन्स यहाँ पर ये दिख रहा है हमको, इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ जिसमें माइनस वन बाई फोर बाहर निकाल दूँगा, डी टी ऊपर लिख दूँगा, इसको मैं टी टी की पावर थ्री बाई फोर। अब देखिए इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा माइनस वन बाई फोर टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन प्लस सी माइनस वन बाई फोर। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आएगा माइनस वन बाई फोर इंटू टी की पावर वन बाई फोर नीचे वन बाई फोर, ये ऊपर चला गया तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस माइनस टी की पावर वन बाई फोर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस टी क्या है, टी क्या लड़के थे वन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर वन बाई फोर प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर।